नमस्कार, मैं नवीन सिंह, आप देख रहे हैं अपना live.news। अभी हम पटना साहिब के कंकड़बाग क्षेत्र के सब्जी मंडी में खड़े हैं और हमारे ऊपर लोकसभा चुनाव आ चुका है जो पूरे रंग में ढल चुका है। अभी मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ के सब्जी बेचने वाले लोगों से, जो बहुत ही निम्न तबके के लोग हैं, हर दिन संघर्ष करते हैं अपने जीने के लिए और हर तरह से अपना सब्जी लाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बिक्री करते हैं, उसको दो पैसा कमा कर अपना घर चलाते हैं, परिवहन करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल जो मोदी सरकार रही है, उस सरकार में इनको क्या सुविधा हुई या क्या कुछ कष्ट हुआ यहाँ के प्रत्याशी से या मोदी सरकार से, और इस बार या किस तरह से अपना मतदान करेंगे, अपना मतदान किनको देंगे, किनको जिता देंगे, यही जानने हम इन लोगों के बीच आए हैं और हम चलते हैं आप लोगों को यहाँ के सब्जी व्यापारी से मिलवाते हैं। सब्जी बेचते हैं? हाँ सर। तो आपका व्यापार तो चल रहा है? हाँ। तो पिछले 5 साल से कितने से कर रहे हैं व्यापारी? वही 10-20 साल से। 10-20 साल से कर रहे हैं। पिछले 5 साल से जो कर रहे हैं मोदी सरकार में, तो उसमें आपको क्या कोई दिक्कत हुआ या सही रहा? हाँ सही है सर। तो इस बार का आप वोट आप किसको दे रहे हैं? मोदी सरकार। क्यों, क्या सुविधा मिली इससे आपको? अच्छा है, कम से कम बेच उसके तो घर जाते ना शांति से। शांति से कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ जो प्रत्याशी हैं, रविशंकर प्रसाद सतवन सिन्हा जी, इस दोनों में आप किनको वोट देना चाहेंगे? जो ना आएगा वही देंगे सर। दोनों आए हुए हैं इस बार ना? इस बार दोनों आए हुए हैं, देखेंगे। सतवन सिन्हा यहाँ से जीत के गया था, कहाँ कुछ किया? सतवन प्रसाद भी तो माने सतवन सिन्हा भी तो मोदी जी के ही थे ना MPO, तो फिर आप कहते हैं मोदी जी को वोट देंगे? नाराज 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 कौन है? नाराज तो नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता था। कहाँ है आप, शत्रुघ्न सिन्हा से खुश हैं? काम नहीं ने किया तो इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को वोट आप नहीं दीजिएगा? नहीं जी। अगर मोदी जी की तरफ से आते तो देते? देते यानी आप मोदी जी को देंगे, नीचे शत्रुघ्न सिन्हा हो या रविशंकर प्रसाद हो? मंडी वाला मेहता चलता है तो आपका क्या कहना है इस बार के वोट में, किसको वोट दीजिएगा, मोदी जी को या राहुल जी? ये बताइए कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना के लिए क्या काम किया, आम आदमी में उसका क्या पकड़ है, सामाजिक कोई ऐसा कोई काम किया जिससे हम शत्रुघ्न सिन्हा को वोट दे? शत्रुघ्न सिन्हा बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा जी को 2 बार आप ही लोगों ने जीता है? शत्रुघ्न सिन्हा जी को 2 बार हम लोग सोचे कि हम सोचे कि काम करेंगे, आप कोई ऐसा काम बताइए जो पटना में आम आदमी के लिए वो काम किए हो या पटना में अपना आम आदमी से मिलते जुलते हो। शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर इस बार मोदी जी के टिकट लेकर के आते, फूल छाप से आते, तब आप क्या करते? नोटा का उपयोग करते? नोटा का उपयोग करते। तो और मोदी जी और राहुल जी को सुनना चाहेंगे? ये अब अपना विचार तो हम ओपन करके नहीं ना बताएंगे, हम अभी सोचेंगे, अभी बहुत समय। इस दोनों में कौन व्यक्ति अच्छा है? हाँ? हम अभी इस पर विचार करेंगे, इतना जल्दी अपना 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 मतदान आप किसी को दीजिए, लेकिन इस दोनों में कौन व्यक्ति अच्छा है? अभी तुम दोनों का वो जो निकला है किताब, क्या क्या घोषणा की है, देखेंगे समझेंगे बुझेंगे। मोदी जी को तो 5 साल में देख चुके हैं। हाँ, मोदी जी भी अच्छा काम किए हैं। राहुल जी के बारे में क्या कहना है आपका? राहुल जी को आज तक प्रधानमंत्री बनवे नहीं किया, आज तक क्या किए? बनाइएगा था ना, बनेंगे वो। हाँ, उनका कोई इस तरह का घोषणा ही नहीं है तो हम क्या करें? आप हम पटना का बात कीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना के लिए क्या किए, सामाजिक क्या काम किए, क्या समाज में पैठ है? उन 2 बार काफी लोगों ने जीता है, क्यों जीता है दोबारा? मौका दिया गया, एक बार नहीं दो बार दिए मौका। हाँ भाई, तो मौका दिए ना कि आप बनाइए समाज के लिए। पहले 5 साल में किए, क्या जो दोबारा बनाए? हम लोग चांस दिए कि फिर हम लोग मौका देंगे, समाज से मिलेंगे, झुगरी झोपड़ी वाला को कुछ मदद, वो ऐसा काम नहीं किया। यानी आप इस बार से वोट नहीं दीजिए? एकदम नहीं। उन्होंने अपना कुछ बेस नहीं बनाया, बताइए, आप ही पत्रकार होकर बताइए कि आप किसको वोट दीजिएगा, क्यों दीजिएगा शत्रुघ्न सिन्हा को, क्या क्या हम किया है समाज के लिए, हमको समाज का नाम बता दिए, पटना वासियों के लिए क्या काम? शत्रुघ्न सिन्हा जी नहीं किए तो मोदी जी नहीं किए? हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी नहीं किए इसलिए मोदी जी नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा को तो गद्दी चाहिए था, उनको मोदी जी ने भेजे थे? मोदी जी भेजे थे तो गलत काम कर दिया ना, पीठ में चूरा मार दिया। जितने मंत्रिमंडल नहीं बना उसके 2 महीना से मोदी जी का संवाद आप मोदी जी को दीजिएगा ना कि गलत आदमी को आप भेजे थे इसलिए? हम बोलिए रहे हैं कि अपना वोट के बारे में सोचेंगे इस बार किसको दे। आप शत्रुघ्न सिन्हा पटना के लिए कोई काम नहीं किया, कोई सामाजिक काम नहीं किया, आप बताइए कि हाँ पटना के लिए झुगरी झोपड़ी या किसी भी काम में वो आए हो?
वो अपना कार्यकर्ता तक को ठीक से पहचानते हैं कि नहीं, ये भी उनसे कभी क्वेश्चन कर लीजिए। इस बार मोदी जी को जिताया जाए, एकदम जिताया जाए।